हाय गाइस, फाइनली हम एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है हम किसी लड़की के उस पे रिएक्शन लेके आते हाँ, हैं। सलोनी आपा सलोनी भाई आपा, रोस्टिंग कैटेगरी में बहुत नाम हो गया है। और हाँ हैट्स ऑफ टू द गर्ल की जो इतनी दबंगगिरी से रोस्ट करती है। और पहली बात तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है रोस्ट, तो ऑफेंड मत हुआ करो। और रोस्ट एंजॉयमेंट के लिए होता है, तो साथ में एंजॉय करेंगे। और टाइटल क्या है? रियाना और मिया खलीफा के भक्त। तो भाई साहब भक्त वीडियो एंजॉय करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल का लिंक होगा, हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब ठोक दिया करो यार। दोस्तों कान में ईयरफोन लगा लो दोस्त, जल्दी से रेडी स्टडी एंड गो। अरे गलत हो गया भाई, गलत हो गया, रुक जाओ। रेडी स्टडी एंड गो। अब तो रियाना के भक्त लग रहे हैं बड़े वाले। मुझे नहीं पता आप रियाना के इतने बड़े फैन हैं, रियाना की किसानी के इतने बड़े फैन हैं। मुझे नहीं पता, मुझे मुझे नहीं पता था। चले ठीक है, कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। मियां खलीफा के भी भक्त हैं। समीर पात्र सांझ में मंगनी ले गया सोही रात। ओ भाई साहब, ओ बेटे, अरे तुम तो बड़े हैवी पॉलिटिशियन हो भाई। हैं फैन तक समझ में आता है, ये भक्त क्या होता है बे? सीधा भक्त फैन में नहीं, सीधा भक्त। और साला ये अन्नदाता के बीच में आनंददाता की क्यों बात हो रही है, मेरे को ये नहीं समझ रहा है। क्या हुआ इस देश को? कहीं फोन में इनकॉग्निटो मोड चालू है तो कहीं दरवाजे में कुंडी। ऑलराइट, सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता ही होगा देश में क्या चल रहा है। देश में कुछ भी चले लेकिन ये न्यूज वालों की अलग ही बकचोदी चल रही होती है। और ये पूछता है भारत, पूछता है भारत, अबे कौन पूछ रहा है बे, थूकता है भारत ऐसे बेकार न्यूज पे। रिहाना कांग्रेस की किसान नेता, एक तो बेचारे रिहाना को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट भी करता है, ये लोग चले उसको ट्रॉल कर रहे हैं। रिहाना कांग्रेस के किसान ने तो मियां खलीफा प्रेसिडेंट है ना। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं हूँ, लेकिन सारा मेरे को ये जानना है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोल देता है तो वो अपने आप कांग्रेस की साइड कैसे चला जाता है। यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं है। जहाँ एक मैं हूँ टिकटॉक बैनर होकर बहुत पहले यूट्यूब पे आ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी लोग कमेंट्स में चिकचौका लिख के चले जाते हैं। यहाँ पे वैसा एक्सेप्टेंस ही नहीं है। यहाँ पे भी वैसा कुछ प्रबंध करो यार कि अगर कोई टिकटॉक के बारे में कुछ बुरा बोल दे तो वो यूट्यूबर बन जाए, ऐसा कुछ करो। पर साला समझ ही नहीं आता कि ज्यादा चूतिया कौन है, ऐसे न्यूज दिखाने वाले या ऐसे न्यूज देखने वाले। बाय द वे, चूतिया से याद आया गाइस, कंगना रनौत जो कि रिहाना के एक ट्वीट के बाद रिप्लाई पे रिप्लाई पे ले जा रही है बकचोदी के फॉर्म में। होते हैं गाइस ऐसे फैंस भी होते हैं जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से रिप्लाई पाने के चक्कर में उनके पोस्ट पे हेट कमेंट्स भी कर देते हैं कभी कभी कि इसी बहाने रिप्लाई मिल जाएगा। कि कांग्रेस की नेता रिहाना ने अभी तक कंगना को एक भी रिप्लाई नहीं दिया है। कांग्रेस की नेता में यार ये लोग कितना ज्यादा राहुल के फॉरेन ट्रिप्स के पीछे पड़े रहते हैं ना कि मेरे को डर लग रहा है कि अभी ये लोग ये ना बोल दें कि राहुल पक्का यूएस गया होगा और रिहाना से मिलके उसको कांग्रेस का मेंबर बना लिया होगा, तभी रिहाना ने। मतलब बेचारा राहुल चैन से घूम भी नहीं सकता, साला उसका भी मेरे जैसा ही हाल है। मतलब मेरे भी जैसा ही हाल है। मैंने भी सोचा था मस्त गोवा जाऊंगी, क्या स्पैश पार्टी शार्टी कैसीनो चशीनो सब फिश हो गया ये कोविड के चक्कर में। Let's expose this bikao porn singers. सबसे पहला क्वेश्चन, ये porn singer क्या होता है? हाँ। मतलब कुछ भी जो कुछ भी वो बोल दे रही, तेरे को खुद को समझ में आता है तो क्या बोलती है, खुद को कान को वापस जाता है क्या बोला है मैंने, मतलब कुछ भी इसके दिमाग में लौड़ा घुस गया है क्या भाई? मतलब नौ तो जो है यार ये कुछ भी बोलती है यार। सबसे पहले तो मुझे लगता है इसके बाल स्ट्रेट करने चाहिए, इसके बाल क्योंकि आंखों के सामने आ रहे हैं, इसको दिख नहीं रहा ठीक से कि दुनिया में चल क्या रहा है। रोस्ट कर दिया पूरा इंडिया के लोग, खुद इसके साइड नहीं है। और ये इंडिया में बेइज्जती कराते कराते अब थके नहीं जो इंटरनेशनली बेइज्जती कराने चली हैं दीदी। और इनका कहना है कि ये फॉरेन से कोई भी सपोर्ट नहीं चाहते, तो कोई इनसे जाके पूछो कि ये लोग खुद कितना मेड इन इंडिया वाली चीजें यूज करते हैं, जो एक ट्वीट के सपोर्ट से ये बौखला गए हैं। ये खुद बोरोप्लस लगाती है क्या हेडी में, करीना लक्स लगाती है, ये अक्षय सुथौ लगाता है खुजली होती है तो नहीं अजय घंटा। लेकिन छोड़ो, मैं क्यों फ्री में इतने ब्रांड्स के नाम लूं भाई। मतलब खुद भी श्योर नहीं है, पूछ रही है कि बता रही है। डिकार्ट का इंटरनेट अराउंड न्यू दिल्ली क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो
इंटरनेट के साथ साथ मैंने सुना कि वहां पे टॉयलेट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है, पानी वगैरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रोटेस्ट पे, लेकिन इंटरनेट इंटरनेट नहीं कटना चाहिए। लोग मियां दीदी को देखेंगे कैसे, इंटरनेट कट करना बंद करो और मियां दीदी आप ये सब ट्वीट करना बंद करिए, वरना सब मिलके आपको बॉयकॉट कर देंगे और कोई आपको इंडिया में देखेगा भी नहीं। ऐसा मैं बोल सकती हूँ, ऐसे कैसे नहीं देखेंगे यहाँ सारे सिंगल्स की लंगोटिया यार, आप कैसे नहीं देखेंगे आपको। लेकिन ये प्रोटेस्ट के बीच में मियां खलीफा के फोटोज यूज करना बंद करो, बेकार कमजोर हो जाएगा, प्रोटेस्ट दरा का दरा रह जाएगा। ओके गाइस, एनफ ऑफ मजाक ऑन दिस टॉपिक। देखो सच बोलूं तो मेरे को ज्यादा पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करनी नहीं होती है, क्योंकि तुम चूतिया कहलाओगे अगर तुम किसी के भी साइड हो तो, और मैं लिटरली किसी के साइड नहीं हूँ इस टॉपिक पे। मेरे को बस ये लगता है कि हमें किसी भी पार्टी को नहीं बल्कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स का साथ देना चाहिए ताकि नेशन को ग्रो किया जा सके। बाकी यू शुड नॉट चेंज योर ओपिनियन, अगर कोई कुछ भी बोलता है तो किसी के कुछ भी बोलने पे आपको अपना ओपिनियन चेंज नहीं करना चाहिए। इधर इट बी कंगना और मी और रिहाना और एनीबडी। बाकी कंगना तो आलू हो चुकी है, हर सब्जी में घुलने के बजाय हर एक मैटर में इनको उंगली करना इंपॉर्टेंट हो गया है। और रिहाना ने भी बस ये ट्वीट किया कि वाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस व्हिच इज नॉट डायरेक्ट, और मिया ने भी बस बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में ही बात की है। तो देखा जाए तो दोनों ह्यूमन राइट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है और सबका अपना ओपिनियन होता है, विच इज वाई दीज सेलिब्रिटीज माइट हैव ट्वीटेड अबाउट दिस। और अपने देश का इंटरनल अफेयर है तो कोई बाहर वाला इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता। मेरे को लगता है ये सबसे फुद्दू चीज है, क्योंकि फिर ये वही बात हो गई कि अगर किसी घर में वायलेंस चल रहा है तो बाहर से आके कोई से मना नहीं कर सकते कि मत मारो, क्योंकि ये उनके घर का इंटरनल अफेयर है। मेरे को लगता है ये सबसे फुद्दू चीज है, क्योंकि कई बार कई सारी कंट्रीज एक दूसरे के लिए खड़े हुए एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, उन्होंने उनको हेल्प किया है और ऐसे करके दिस इज हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स। बट व्हाई जस्ट दीज इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज एंड नॉट द इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस कमेंट अबाउट दिस। के? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और अगर आया तो प्लीज लाइक करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करो। एक दबंगिरी है, और सबसे पहली बात तो लास्ट में ये भी बता दें कि किसी की साइड नहीं है, और पहली बात तो एंटरटेनमेंट के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। और अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिशियन में पॉलिटिक्स में भाई, अगर आप मेहता वेता नहीं बनना चाहते तो पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, आप सच के लिए लड़ो। हाँ। और आपको वही बोला ना कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो सकता है, किसी और की बात से आप अपना ओपिनियन कभी चेंज मत करो। कि मतलब अगर वो कहता है नहीं भाई पहले वो सही था तो तुम उसके साथ, अब नहीं भाई मुझे वो गलत लग रहा है तो तुम उसके सुन के भाई तुम उसके साथ चल दो भीड़ चल, नहीं जो गलत है वो तुम्हें, अगर जो तुम्हारे गट फीलिंग जो कहती है ना वो सुनो और थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके उसके बाद आपको कभी भी कमेंट करना चाहिए कुछ भी। और अब जैसे क्या बोलते हैं वो मियां खलीफा ने मगर वो बात बोली थी तो एक तरह से चल वो चीज़ ठीक थी, वो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से कि इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए था। हाँ। वो वाली बात चलो हम मान सकते हैं वो ठीक, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यार ये बेसिक राइट्स है कि इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। क्योंकि हम मैं ना मैं फार्मर्स की साइड ले रहा हूँ, ना मैं यहाँ बीजेपी पार्टी की ले रहा हूँ, ना मैं किसी ले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी है सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का, जल्द होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक भी फेस कर रही है डिफिकल्टीज कम्यूट करने में भी हर चीज़ में। एक तो ऑलरेडी जो कोविड के चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी, ऑलरेडी काम इतना सफर हुआ, और जहाँ लोगों को ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस टाइम में, वहाँ पे नेट एक घंटे के लिए भी बंद होना बहुत ज्यादा हो गया है। और उसमें हाँ खाली ये नहीं है कि वो लोग ठीक है कर रहे थे, सरकार ने भी एक पर्पज से किया था कि कोई वॉयलेंट मैसेजेस फॉरवर्ड ना करे, बट जो करने होते हैं ना वो जुगाड़, ये इंडिया है भैया, ये जुगाड़ चलते हैं, वो वैसे भी वायरल हो रहे थे। तो भैया पॉलिटिक्स से हम तो दूर रहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हमें जो चीज़ सही लगती है हम उसका साथ देते हैं, और बाकी आप लोग भी हो समझदार तो समझदार बनकर रहना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में घुस जाओ, पॉलिटिक्स में मत घुसो। अगर अब जब फार्मर्स हैं अगर उनको गलत लग रहा है तो वो स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, नहीं हट रहे, वही बात है। सरकार को लग रहा है कि वो सही है तो सरकार अपना स्टैंड ले रही है, दोनों अपने स्टैंड ले रहे हैं, एंड ऑफ द डे जो उनको सही लगेगा समझौता करके वो डिसीजन लेंगे जरूर। तो वो चीज़ बस होपफुली जल्दी हो जाए ये सॉर्ट आउट। हाँ। एक वो फनी लाइन वो भी तो थी, वो राहुल चले जाते हैं और मियां खलीफा साइन करा, वो से रियाना साइन करा के लाता है। ऐसा हाँ। गजब वीडियो थी, मजा आ गया वीडियो देख के। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सोलोनी आपा की और वीडियोज पे चाहते हैं रिएक्शन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।